कितना सैलरी मिल जाता है इस तरह के काम में, अगर जो कोई बंदा काम करना चाहे तो कितना सैलरी मिल जाता है? 4 लाख रियाल लग गया। 4 लाख रियाल लग गया तो दोस्तों, तो कैसे आप सब देख सकते हैं, आज नए मेहमान और नया कुछ काम है जिसके बारे में आप सबको मैं जानकारी देने वाला हूं, और इनका घर भी देख सकते हैं किस तरह से है और उस बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए, कितना समय से काम कर रहे हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं और कितना इनको मिल रहा है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस हिसाब से सबसे पहले इनकी जानकारी लेते हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? हिदायतुल्ला। तो इस तरह का काम आप कर रहे हैं, तो क्या इसमें काम कर रहे हैं या फिर इस घर बन रहा है जो इसका देखभाल कर रहे हैं आप? इसको देखभाल कर रहे हैं। देखभाल कर रहे हैं, इस मतलब क्या यहाँ पे बोलते हैं, हरस करके बोलते हैं ना, हरस। तो इसका पूरी जिम्मेदारी, जितना भी सामान रहता है वो तो आप ही को होगा, पूरा जिम्मेदारी आपको संभालना पड़ेगा, है ना? तो कितना सैलरी मिल जाता है इस तरह के काम में, अगर जो कोई बंदा काम करना चाहे तो कितना सैलरी मिल जाता है? 1500 से 2000, 2500 तक, यानी 2000 से 2500 के रियाल तक मिल जाएगा। चलो सही है। तो कितना समय लग जाता है यहाँ पे इस तरह का एक घर तैयार होने में, जैसे समय कितना कितना टाइम लग जाएगा? 6 महीना, 1 साल? 6 महीने में। और एक घर बनने में कितना पैसा लग जाता होगा? आप एक काम कर रहे हो, कुछ अंदाज तो होगा कितना पैसा? एक मिलियन से ज्यादा होगा। इतना पैसा लग जाता है। अपने देश में देखा जाए तो इस तरह का 2-3 बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, है ना? और देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ मजबूत है, यहाँ का घर काफी ज्यादा मजबूत बनता है ना। तो आपको यहाँ पे समझ लीजिए कितना समय हो गया होगा, अभी इतना काम होने में कितना समय लग गया इस तरह का? नहीं, काम जो हुआ कितना टाइम हुआ, 1 महीना या 2 महीना? तकरीबन 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में अभी ये दीवार भी नहीं उठा है ना, बस थोड़ा सा नीचे और मिट्टी ऊपर से आया, बस यही। और देखा जाए तो अभी इसके अंदर सिरमेंट भी नहीं आया कि कुछ काम हुआ हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। 4 लाख रियाल लग गया। 4 लाख रियाल लग गया। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लाख रियाल काफ़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा, और अभी तक दीवार भी खड़ा नहीं हुआ, तो यहाँ काफ़ी पैसे लग जाते हैं घर बनाने में, है ना? बहुत ज़्यादा। और इनका देखा जाए तो ये है इनका रूम, जो कि ठंडी के मौसम में काफ़ी परेशानी भी होती होगी, और माशाल्लाह अच्छा मेहनत भी करते हैं 2 पैसा बचाने के लिए, और यहीं पे पाकिस्तानी भाई है जो कि रहते हैं। दोस्तों, परदेश में तो बहुत पैसा है और लोग कमाते भी हैं और अपने भाई बहन की शादी भी करते हैं और साथ में आलीशान घर भी बनाते हैं, सपनों का महल भी बनाते हैं। परदेश में परदेशी लोग पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें अपनी ज़िंदगी दाव पे लगानी पड़ती है और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना पड़ता है परदेश में, तब जाके वो अपने फैमिली को और ख़ुद को झूठा दिलासा देते हुए कि मैं खुश हूँ, तब जाके अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। कुछ इस तरह आप समझ सकते हैं मैं क्या